My English Book 2, Standard 2, Subject English, Unit 3, 3.9, Learning Letters, on page number 44. Point A. Look at the picture. Encircle the first letter of the picture's name. प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी में आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई है, कुछ तस्वीर दी गई है. आपको पिक्चर किस चीज की है वो देखना है और उसके नाम के फर्स्ट लेटर को आपको इनसर्कल करना है, यानी उसे आपको दायरा बनाना है. कैसे करेंगे, आओ चलो देखते हैं. फर्स्ट पिक्चर है बच्चों ऑरेंज की. क्या है ये? ऑरेंज. ऑरेंज यानी संतरा. और इसके आगे जो लेटर्स दिए गए हैं, चार लेटर्स है बच्चों. देखो, पहला लेटर है O फॉर ऑरेंज, दूसरा है B फॉर बॉल, फिर है E फॉर एलिफेंट और फिर है Q फॉर क्वीन. हमें पता है कि ऑरेंज, इसकी शुरुआत O से होती है, इसलिए हम लोग O को इनसर्कल करेंगे. नेक्स्ट पिक्चर है पेंसिल. क्या है बच्चों ये? पेंसिल. और इसके आगे लेटर्स दिए गए हैं M फॉर मंकी, O फॉर ऑरेंज, B फॉर बॉल और P फॉर पेंसिल. हमें पता है कि पेंसिल ये वर्ड P से शुरू होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर P को इनसर्कल करेंगे. नेक्स्ट पिक्चर है Q फॉर क्वीन और इसके आगे लेटर्स है Y फॉर याक, H फॉर हेन, Q फॉर क्वीन और T फॉर टाइगर. हमें पता है बच्चों क्वीन यानी कि रानी, इसकी शुरुआत Q से होती है, तो हम लोग यहाँ पर Q को इनसर्कल करेंगे. नेक्स्ट पिक्चर है रैबिट. क्या है बच्चों ये? रैबिट. रैबिट यानी खरगोश. और इसके आगे जो लेटर्स दिए गए हैं वो है R फॉर रैबिट, O फॉर ऑरेंज, S फॉर सन और V फॉर वैन. बच्चों हमें पता है कि रैबिट, इस वर्ड की शुरुआत R से होती है, इसलिए हम लोग R को इनसर्कल करेंगे. नेक्स्ट पिक्चर है सन. क्या है बच्चों ये? सन. सन यानी सूरज. और इसके आगे जो लेटर्स दिए गए वो है U फॉर अम्ब्रेला, S फॉर सन, B फॉर बॉल और F फॉर फैन. पर हमें पता है कि सन, इस वर्ड की शुरुआत S से होती है, इसलिए हम लोग S को इनसर्कल करेंगे. नेक्स्ट है ट्री. क्या है बच्चों ये? ट्री. ट्री यानी दरख्त. और इसके आगे जो लेटर्स दिए गए वो है O फॉर ऑरेंज, B फॉर बॉल, T फॉर ट्री और Q फॉर क्वीन. है ना बच्चों, हमें पता है कि ट्री, इस वर्ड की शुरुआत T से होती है, इसलिए हम लोग यहाँ T को इनसर्कल करेंगे. यही सेम एक्टिविटी बच्चों आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में सफा नंबर 44 पर दी गई है. आपको पेंसिल की मदद से यहाँ जो लेटर्स दिए गए हैं, पिक्चर्स देखना है और उन पिक्चर्स के नाम की शुरुआत जिन लेटर से होती है, उन लेटर को आपको पेंसिल की मदद से सर्कल बनाना है और ये एक्टिविटी करके आपके अंग्रेजी की टीचर से चेक करवाना है. थैंक यू सो मच.